हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कोबरा सांप के बारे में रोचक तथ्य। नाग भारतीय उपमहाद्वीप का एक जहरीला सांप है। यद्यपि इसका जहर इंडियन क्रेट जितना घातक नहीं है और यह रसेल स्वाइपर जैसा आक्रामक नहीं है, किंतु भारत में सबसे अधिक लोग इस सर्प के कटने से मरते हैं, क्योंकि यह सभी जगह बहुतायत में पाया जाता है। चूहे इसका मुख्य आकार है, जिसके कारण ये अक्सर मानव बस्तियों के आसपास खेतों में एवं शहरी इलाकों के बाहरी भागों में अधिक पाया जाता है। नाग यानी कोबरा विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन या हुड बनाते हैं। यद्यपि फन कोबरा सांप की विशेषता है, लेकिन इसकी विभिन्न प्रजातियाँ निकटता से संबंधित नहीं है। वैसे कोबरा दक्षिणी अफ्रीका से लेकर दक्षिणी एशिया तक और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। कोबरा की जहर का कहर। कोबरा एक अत्यंत जहरीला सांप है जिसके अगले छोटे विष दांत जहर उगलते हैं। भारतीय नाग में सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन नामक घातक जहर में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। यह जहर शिकार के तंत्रिका तंत्र को पंगु बना देता है, शरीर को लकवा मार जाता है। इसके काटने से मुंह से झाग निकलने लगता है और आंखों की रोशनी धुंधला जाती है। समय पर उपचार न मिलने पर इसका शिकार अंधा हो जाता है और अंततः मर जाता है। एक वयस्क नाग की लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक की हो सकती है। श्रीलंका की कुछ प्रजातियां लगभग 2.1 मीटर से 2.2 मीटर तक होती हैं, लेकिन यह दुर्लभ है। अधिकतर लोग कोबरा नाग और किंग कोबरा नागराज को एक ही सांप समझते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। नागराज दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एक सबसे लंबा जहरीला सांप है, जो मूल रूप से नाग प्रजाति से संबंधित नहीं है।